पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने सोलन में उच्च अधिकारियों के साथ शिष्टाचार भेंट की। वो सोलन जिला प्रशासन से कोरोना काल में किए जाने वाले कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने जिला प्रशासन सोलन की खूब पीठ थपथपाई व कोरोना काल में प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। सोलन पहुंचने पर सोलन पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। सोलन दौरे पर आए पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने सोलन में उपायुक्त केसी चमन व पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव से शिष्टाचार भेंट की। कोरोना काल में सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स के योगदान की संजय कुंडू ने सराहना की और कहा कि कोरोना काल में जिला प्रशासन सोलन द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है। संजय कुंडू ने तदउपरांत हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परमाणु का भी दौरा किया, वहां की स्थिति का जायजा भी लिया, साथ ही दिन रात ड्यूटी पर डटे पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाया। और एक तरह से मेरी शिष्टाचार भेंट है डीसी साहब और एसपी साहब से, और अभी मैं परमाणु बैरियर भी जा रहा हूं, वहां अपने जवानों से मिलूंगा। देखिए, कोरोना के टाइम पे सोलन जिले में बेहतरीन काम हुआ है, उसके लिए डीसी साहब, एसपी साहब और इनके जितने भी अंडर कमांड स्टाफ है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप जानते ही हैं कि जो परमाणु है हिमाचल का गेटवे है, और लगभग पिछले 3-4 महीने से ये दिन रात यानी कि राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, और बड़ा स्मूथली जो कोरोना का काम है सोलन ज़िले में हुआ है, जिसके लिए सोलन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सोलन के डॉक्टर्स और जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं बधाई के पात्र हैं। और आप जानते हैं कि 19 मार्च में सबसे पहले जो टूरिस्ट हैं हमने रोक के थे, उनको वापस भेजा था। उसके बाद भी जैसे जैसे भारत सरकार की गाइडलाइंस आई, सबसे ज़्यादा रश जो है परमाणु में रहा। सबसे पहला दौर है हमारा कि हमने कोटा से जो आईआईटी की क्लासेस के बच्चे थे वो लाए, हमारे जो बाकी राज्यों में फंसे हुए लोग थे उनको लाने का काम किया। पहले तो मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री जी का प्रधान सचिव था, तब भी मैंने देखा कि सोलन जिले ने बहुत अच्छा काम किया था। अब एज डीजीपी करीब 1 महीना प्लस हुआ है, उसमें भी देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई, और मैं आशा करता हूँ कि आगे में भी ये ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।